Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Thank you for tuning in. Today we are going to cover a hot topic, which is traveling from an indirect route from India to Canada via Mexico. So that was my route and I traveled on 11th of July 2021. Quickly, I will share my all of the journey and please watch it till last. There will be a quick tip for St. Clair College students. Thank you. So we'll quickly start. My journey was little longer. So it was from Delhi, Bangalore, then Bangalore to Frankfurt, Frankfurt to Mexico, Mexico to Montreal. Basically, my journey started from Ludhiana to Delhi and I went via car and aapka wahan pe charges jo lagenge at Delhi airport pe that will be 800 rupees for COVID test. And uske baad hamari jo journey thi that was to Bangalore firstly. Bangalore mein hamari immigration honi thi for Mexico. So Bangalore jab hum pahunche we went through Vistara Airlines and uske baad we finally reached to Bangalore and Bangalore immigrations pe jo questions that was so simple guys. प्लीज़ अगर आप इमिग्रेशन से मत डरो. अगर आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स उसके लिए दे रहा है दैन प्लीज़ इग्नोर दैट. दैट इज़ सिंपल. आप कुछ इलीगल नहीं जा रहे तो आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है. दे जस्ट आस्क मी कि आप क्यों जा रहे हो मेक्सिको. देन आई टोल्ड दैट कि येस आई डू हैव स्टडीज इन कैनेडा. माई लाइक फाइनल डेस्टिनेशन इज़ कैनेडा. देन वो आपसे पूछेंगे कि आपका कोर्स क्या है, विच कोर्स, वाई यू चोज दैट कोर्स. बहुत सिंपल क्वेश्चंस गाइस, यू कैन आंसर इट इजीली, नथिंग एल्स. एंड जो मेरे साथ के फ्रेंड्स थे मैंने उनसे भी क्वेश्चंस पूछे सो दैट आई कैन डिलीवर इट टू यू. उनसे किसी से उन्होंने पूछा था अपनी नेक्स्ट फर्दर टिकट्स दिखाओ एंड होटल का रिजर्वेशन दिखाओ. दैट्स इट. दैट इज सो सिंपल. एंड नेक्स्ट फ्लाइट हमारी थी फ्रॉम टू मेक्सिको फ्रॉम लुफ्थांसा एयरलाइंस. एंड अब हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी मेक्सिको बट वी वेंट टू वाया फ्रैंकफर्ट. फ्रैंकफर्ट में ले ओवर था. एंड प्लीज़ गाइज, फ्रैंकफर्ट में एक सिक्योरिटी चेक होता है. अपना जो आपका कैरी ऑन बैग है जो आप अपने साथ रखते हो वहाँ पे, उसमें लिक्विड आइटम्स कम रखना. आपको शायद इस पर नहीं रोकेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पर. अगर आप डोमेस्टिक से आ रहे हो, कि डोमेस्टिक में इतना नहीं है बट इंटरनेशनल वहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी हार्ड है, तो आप अपना कुछ भी ऐसा कोई शार्प आइटम मत रखना अपने पास. वो आपका निकलवा देंगे सारे. मेरे सामने स्टूडेंट्स को उनकी शैम्पूज, फेस वॉश सब निकाल दिया था. दैट वॉज लाइक ब्रांड न्यू आइटम्स और वो निकल गई थी. सो प्लीज़ डोंट कैरी इट इन द कैरी ऑन बैगेज. अगर करना है आपको कैरी तो कैरी करो. पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें जो बिल्कुल छोटी छोटी हों उसके लिए वो नहीं रोकते, बट अगर आपका पूरा फुल बॉटल है प्लीज़ नो फॉर दैट. आई विल नॉट रिकमेंड. उसके बाद हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी, ले ओवर था फ्रैंकफर्ट में. देन नेक्स्ट फ्लाइट वॉज टू मेक्सिको अगेन द लुफ्थांसा एयरलाइंस. फूड वॉज ओके. आई विल शेयर द पिक्स हियर. Like that, Mexico immigration and the sabse bada challenge when you enter in Mexico, that is people do not know English well. Bahut kam log hain airport pe. I don't think so the problem hoga because people know English, but once you enter into the city Mexico, that is a challenge. And if you are a vegetarian, then you are going to face problem for food, same as me. I am vegetarian and so I faced the problem. Food was not that good. And कोशिश करना, क्योंकि जो आपका कोविड टेस्ट होता है मेक्सिको एयरपोर्ट पे, उसकी जो रिपोर्ट है दैट कम्स फ्रॉम 6 to 12 hours, मैक्सिमम 12 hours. सो आप कोशिश करो, अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आपको एक्सप्लोर करना दैट इज़ ऑल योर चॉइस. बट वॉट इज़ माई रिकमेंडेशन कि आप वहाँ से जितना जल्दी हो सके अपना नेक्स्ट फ्लाइट लेके आप डिपार्ट कर लो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला. तो 6 to 12 hours आप वन नाइट इज सफिशिएंट आई गेस. बाकी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन माय क्वेश्चन एट द मेक्सिको इमिग्रेशन. जो मेरे से पूछे गए थे दैट वाज शो योर होटल बुकिंग, शो योर नेक्स्ट टिकट, व्हाट इज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन, व्हाई यू आर गोइंग टू कैनेडा. अगेन गाइज, सिंपल क्वेश्चन. प्लीज़ इमिग्रेशन से मत डरो. दे जस्ट आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि अब उनको भी पता है, वो फैमिलियर हो चुके हैं दैट येस स्टूडेंट्स आर ट्रैवलिंग वाया मेक्सिको टू कैनेडा. तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. एंड मेक्सिको एयरपोर्ट पे आपका टेस्ट होता है कोविड टेस्ट. एंड वंस यू एग्जिट ऑन द अराइवल्स आपका वहाँ पे कोविड टेस्ट होगा. तो आपके पास टू चॉइस है. अगर तो या तो आप एयरपोर्ट पे ही टेस्ट करा सकते हो, या फिर आप टेस्ट करा सकते हो होटल जाके. मोस्टली होटल्स में हैं, बट स्टिल आप जो भी होटल चूज़ कर रहे हो उसमें पहले कॉल करके चेक कर लेना कि वो होटल में टेस्ट ले रहे हैं कि नहीं. बोथ आर इक्विवेलेंट आई गेस. 10-15 पैसों का फ़र्क है उसमें. पैसो इज़ द मेक्सिकन करेंसी. और मैंने पे करा था यूएस डॉलर्स में बिकॉज मेरे पास मेक्सिकन करेंसी भी मैंने एक्सचेंज कराना था. तो इट वॉज़ 115 US dollars फॉर
कोविड टेस्ट एट मेक्सिको। तो अब बात आती है मेक्सिको होटल स्टे की। आई स्टेड इन आइबिस होटल, दे गेव मी ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, लंच एंड डिनर आपका अपना था। ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस ऑप्शन थे, उन्होंने अपनी तरफ से आई गेस दाल राइस एंड सब, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर शेयर करूँगी, यू कैन सी दैट वाज गुड एक्सेप्टेबल। बट लंच एंड डिनर आपको खुद से खाना है, तो यू कैन ऑर्डर इन होटल या आउटसाइड, कैसे भी आप कर सकते हो। बट अगेन द वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत कम थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब सर्च करके देखना पड़ा। एंड जहाँ भी आप जाओगे आपको स्पेनिश में मेन्यू मिलेगा मोस्टली, सो लैंग्वेज वॉज अ वेरी यू कैन से हार्ड पार्ट इन दैट कंट्री। बट येस मोस्टली अगर आप होटल में स्टे करो वहाँ पे भी इंग्लिश आती होती है सबको, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एंड वहाँ पे मेरा स्टे था वन नाइट का, येस, एंड नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी, मेरा रिजल्ट आ गया था। आपको वो जब आप कोविड टेस्ट कराते हो मेक्सिको एयरपोर्ट पे, वो आपको एक शीट देते हैं, उसमें एक बार कोड होता है, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी एंड आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो दैट हाउ टू चेक योर कोविड रिजल्ट ऑनलाइन। आपको वहाँ जाके लाइन में लग के कोविड टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन आपको मिल सकता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं अपनी नेक्स्ट फ्लाइट से जल्दी जाते हैं और वहाँ पे वेट करते हैं, अगेन लाइन में लगते हैं, उनसे टेस्ट रिपोर्ट लेते हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो होटल स्टे हो गया, उसके बाद हम आए एयरपोर्ट पे। माय नेक्स्ट फ्लाइट वाज फ्रॉम मेक्सिको टू मॉन्ट्रियल, माय फाइनल डेस्टिनेशन वाज टोरंटो। सो वहाँ पे मोस्टली येस आई गेस एयर कैनेडा ही ऑपरेट करती है, तो गाइस ये चीज़ ध्यान रखना, एयर कैनेडा लगेज को चार्जेबल वहाँ से भेजती है, इवन वन लगेज भी अलाउड नहीं है, वो वहाँ पे नो लगेज पॉलिसी मोस्टली सबका यही था, येस जितना मुझे याद है। और वहाँ पे द प्रॉब्लम इज़ दे ओनली एक्सेप्ट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स। प्लीज़ गाइस ये पहले सोच के जाना या क्रेडिट कार्ड लेके जाना, वहाँ पे आपको बहुत टाइम वेस्ट हुआ होगा, मेरा हुआ था एक्चुअली, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास कैश था बट दे वर नॉट एक्सेप्टिंग कैश, नो US डॉलर्स, नो कैनेडियन, नो पैसोस, नथिंग, ओनली क्रेडिट कार्ड्स। अब या तो आप यहीं से लेकर जाना, अगर आप यहीं से नहीं लेकर जाओगे इट्स ओके, आपके फ्रेंड्स फैमिली वहाँ पे जो भी आपको जैसे फ्लाइट में फ्रेंड्स मिले या कुछ भी है, किसी से आप हेल्प लेना, तो पहले ही सोच के जाना, वहाँ पे लाइन बहुत लंबी होती है, और थोड़ा टाइम पहले चले जाना, एक्स्ट्रा टाइम लेके जाना, पूरे पूरे टाइम पे मत जाना। एंड फॉर सिंगल लगेज वो था 30 कैनेडियन डॉलर्स, फॉर टू लगेज दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 80 कैनेडियन डॉलर्स, तो आपको विद क्रेडिट कार्ड पे करना है। फ्लाइट फ्रॉम मेक्सिको टू मॉन्ट्रियल विच इज़ आवर फाइनल डेस्टिनेशन टू कैनेडा, एंड वहाँ पे इमिग्रेशन होगा आपका। एंड गाइज आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इमिग्रेशन से, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्लीज़ नर्वस मत हुआ करो, दे आर सो सिंपल क्वेश्चन जो आपको पता है, यू आर ऑलरेडी स्टडिंग और यू आर गोइंग इन सितंबर इनटेक लेट्स से। एंड हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, मेक्सिको एयरपोर्ट पे वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश होता है, एंड वो इतना बिजी होते हैं कि कभी कभी वो मिस कर देते हैं। आप मेक श्योर अगर आपकी फुली वैक्सीनेशन हो रखी है तो आपके पासपोर्ट पे वो लोग स्टिकर लगाएंगे। इन मैक्सिको कलर डजेंट मैटर, येलो ग्रीन ब्लू कोई भी हो, बट स्टिकर मींस यू आर फुली वैक्सीनेटेड। प्लीज़ गाइज उसका ज़रूर ध्यान रखना। वन ऑफ माई फ्रेंड उनका नहीं लगा था और उनको पता नहीं था, तो एनी हाउ वो हमने जैसे एडजस्ट करके वहाँ पर स्टिकर लगवा लिया था, क्योंकि उसी स्टिकर से आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन में वो लोग फिल्टर आउट कर देते हैं, येस फुली वैक्सीनेटेड यहाँ पे एंड पार्शल वैक्सीनेटेड और व्हाटएवर। तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखना, मेक्सिको से आप अपने पासपोर्ट पे स्टिकर लगा के आओ, आई विल शो यू योर। एंड उसके बाद एयर कैनेडा फ्लाइट थी टू मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में फाइनली इमिग्रेशन होना था विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड गाइज वेरी सिंपल, कोई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन ये थे वट इन विच कॉलेज यू आर गोइंग, वट कोर्स यू हैव टेकन, वट वॉज द फीस। एंड उसके बाद उन्होंने, अगर जैसे मेरी स्टडी ऑनलाइन चल रही थी तो दे आस्क मी अबाउट द ऑनलाइन पोर्टल, जिनकी जो स्टडी चल रही है वो आपसे ऑनलाइन पोर्टल आपको बोलेंगे ही दिखाओ, तो उसमें आप खोल के आप अपने, अब आप अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप, आपने कोई ना कोई असाइनमेंट्स करी होंगी, आपके कोई मिड टर्म्स हुए होंगे, आपके फाइनल एग्जाम्स हुए होंगे, उसकी आपसे वो मार्कशीट पूछ सकते हैं कि आप अपना वो मार्क्स दिखा दीजिए। वेरी सिंपल गाइज, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल क्वेश्चन थे। एंड और जो मेरे बाकी फ्रेंड्स थे मैंने उनसे पूछा था सिमिलर क्वेश्चंस, कुछ ऐसा ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, यही क्वेश्चंस थे। एंड आपकी अगेन, एंड हाँ अपना एक फाइल रेडी रखना जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हों, डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांगेंगे। फुली वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूर अपने पास रखना, वो आपको हर एयरपोर्ट पर वो लिटरली पूछने वाले हैं, सो कीप इट हैंडी। एंड वहाँ पे जाके जब आप इमिग्रेशन क्लियर कर लोगे वो आपको स्टडी परमिट दे देंगे, एंड अगर आपका इंटर्नशिप को ऑप्शन है तो आपको एक वर्क परमिट देंगे अगर आपके कोर्स में है, वो दोनों आपको देके। एंड मेक श्योर आपको टोरंटो या मॉन्ट्रियल का इमिग्रेशन भी आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगा रहा है। इफ़ यू आर
एग्जिटिंग थ्रू मॉन्ट्रियल आपको वहाँ पे लगेगा ब्लू स्टिकर. ब्लू स्टिकर इज़ फॉर फुली वैक्सीनेटेड. अगर आप टोरंटो से एग्जिट ले रहे हो देन इट विल बी ग्रीन स्टिकर. सो डोंट गेट कन्फ्यूज. मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई थी क्योंकि मैंने सबसे यही सुना था कि दैट इज़ ग्रीन स्टिकर ऑलवेज. सो ब्लू स्टिकर इज़ फॉर मॉन्ट्रियल फुली वैक्सीनेटेड. सो डोंट टेक टेंशन. एंड आफ्टर दैट मेरी फ़्लाइट थी फ्रॉम मॉन्ट्रियल टू टोरंटो जो कि मिस हो गई थी. एंड अगर आप ऐसी फ़्लाइट ले रहे हो गाइज सो मेक श्योर आपका एटलीस्ट 4 to 5 hours का बीच में डिफरेंस हो फ्लाइट में. हमारा डिफरेंस था 1 hour का. एंड 1 hour तो कैसे निकल गया था इमिग्रेशन में पता नहीं लगा. इमिग्रेशन में इट टुक अस लाइक 2 to 3 hours बिकॉज बहुत ज़्यादा रश था. ऑलमोस्ट हर कोई स्टूडेंट ही था तो सबका इमिग्रेशन होना था. तो प्लीज़ मेक श्योर इस चीज़ का. एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगी उसके बाद आपको क्या करते हैं. आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है एयरपोर्ट पर. आपको वो लोग एक किट दे देते हैं विच इज़ फ्रॉम स्विच हेल्थ. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू कि स्विच हेल्थ का कैसे कोविड टेस्ट आपको घर पे करना है, कब करना है. आई विल शो यू द किट हियर. ये वाली किट आपको मिलेगी. एंड नथिंग एल्स. यू आर फ्री टू गो एनीवेयर इन कनाडा. टिप फॉर सेंट क्लेयर कॉलेज स्टूडेंट्स. आई एम फ्रॉम सेंट क्लेयर कॉलेज. एंड सेंट क्लेयर में ऐसा पॉलिसी है कि आपको आइसोलेशन प्लान लेना पड़ता है फ्रॉम कॉलेज. गाइज आई टुक आइसोलेशन प्लान. वो आपको लेना ही पड़ेगा इवन दो यू आर फुली वैक्सीनेटेड जस्ट फॉर अ बैकअप प्लान कि जस्ट इन केस अगर आप पॉजिटिव आते हो. अब वैसे तो आओगे नहीं पॉजिटिव क्योंकि हर जगह से आप टेस्ट करा के आ रहे हो इन दिल्ली देन इन मैक्सिको. सो वो जस्ट उनका एक बैकअप प्लान है गाइज. मुझसे इमिग्रेशन ने मेरा पूछा भी नहीं आइसोलेशन प्लान ना उन्होंने देखा. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने कॉलेज को इंटीमेट करके आ रहे हो ताकि वो आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल रहे. कॉलेज हमें ये दे रहा है ऑप्शन. कई बच्चे इससे इरिटेट हो चुके हैं कि ये हमें अप्रूवल लेना पड़ता. बट गाइज दैट इज़ अ ग्रेट हेल्प. वो आपको एक ईमेल देते हैं उसमें सारी डिटेल्स देते हैं कि आप कौन सी एयरलाइन से आ रहे हो, कब एंटर कर रहे हो कनाडा में. एंड दे विल गिव यू वन व्हाट्सएप नंबर वो जो कि आपके कॉलेज में से किसी का होगा जो कि आपको उस टाइम पे अवेलेबल होगा आपके लिए हेल्प के लिए जस्ट इन केस आपको इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम होता है या आप स्टक होते हो या किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए. सो ही और शी विल बी अवेलेबल बिकॉज दैट इज़ अ ग्रेट थिंग. जो कि ज़रूरत नहीं पड़ती एनीवेज. बट स्टिल कॉलेज को इंटीमेट करके आप आओगे. आइसोलेशन प्लान का मुझे यही बताना था सेंट क्लेयर कॉलेज के लिए. एंड उसके बाद यू आर फ्री टू गो एनीवेयर. इफ यू आर फुली वैक्सीनेटेड यू आर एग्जेम्प्टेड. यू डोंट नीड टू गो टू द प्लेस ऑफ आइसोलेशन. आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको जस्ट बताना है कॉलेज आपको उसके बाद ईमेल करेगा कि प्लीज़ अपने पासपोर्ट का फोटो भेज दो जिसमें आपको ग्रीन या ब्लू स्टिकर लगा हो. एंड देर वर लाइक लिटिल डिटेल्स आपका नेम, स्टूडेंट नंबर, सिंपल डिटेल्स. आपको वो रिप्लाई बैक करना है एंड उनको दिखाना है. दे विल सी द डिटेल्स एंड यू आर एग्जेम्प्टेड. यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर.